नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। सीधे रुक कर लेते हैं बिहार के झंझारपुर, जहां पहुंचे हैं अमित शाह और सभा को संबोधित कर रहे हैं। जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी की, वीर पूरण मंडल की और पंचानंद झा जैसे वीरों की भूमि है। इस भूमि को भी मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। यही भूमि ने दुनिया में मधुबनी पेंटिंग से न केवल मिथिलांचल परंतु समग्र भारत की ख्याति देश देश तक पहुंचाने का काम किया है। वो झंझारपुर और मिथिलांचल की भूमि को मैं प्रणाम करने आया हूं। सबसे पहले तो मैं बिहार की जनता का बहुत हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। कुछ दिन पहले ये लालू नीतीश की सरकार ने एक फतवा जारी किया कि बिहार में रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं होगी, जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं होगी। और बिहार की जनता ने जो आक्रोश दिखाया उससे इनकी शान ठिकाने आने का काम आप लोगों ने किया है। मैं बड़े हृदय से आपका सम्मान करने का काम करता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, 2024 में चुनाव आने वाला है। मैं बिहार की जनता का इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि 2014 में 40% वोट और 31 सीटों के साथ आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, इसलिए बिहार की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। 2019 में भी 53% वोट और 39 सीटें देकर मोदी जी को फिर से आपने प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने मिथिलांचल के लिए, झंझारपुर के लिए, बिहार के लिए क्या किया, गरीबों के लिए क्या किया, बाद में मैं बताता हूं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे देश भर में मैं ऐसे ही लोकसभा कार्यक्रमों में घूमता हूं। ये झंझारपुर जैसे ही भीड़ हर जगह आती है, जहां तक नजर पहुंचे भीड़ ही भीड़ दिखाई पड़ती है। मित्रों, मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था, तीनों रोड जाम हुए पड़े हैं, पेंडाल में जगह नहीं है, स्टेडियम में लोग पूरा भर दिए हैं, सामने बन रही बिल्डिंग पर भी लोग बैठे हैं। झंझारपुर की जनता जिस उत्साह के साथ मोदी जी के समर्थन में यहाँ आई है, मुझे पूरा भरोसा है कि 2024 में बिहार में 39 सीटों का रिकॉर्ड तोड़कर 40 की 40 सीट एनडीए और बीजेपी जीतने जा रही है। माताओं, भाइयों, बहनों, आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने कई ऐसे काम किए कि मैं गिनवाने जाऊं तो एक पूरी भागवत सप्ताह बिठा दे फिर भी समाप्त न हो। मगर मुझे मन से बताना झंझारपुर वालों, जब हमारा चंद्रयान चंद्र पर उतरा, आपका मन आनंद से भर गया था या नहीं भर गया था? जोर से बोलो, भर गया था या नहीं भर गया था? और G20 में जब हमारे देश का प्रधानमंत्री दुनिया भर के अनेक राष्ट्राध्यक्षों के बीच में हथौड़ा लेकर
अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करता है तो हर हिंदुस्तानी की छाती गज गज फूल जाती है मित्रों। ये जी ट्वेंटी ने देश के गरीब, युवा, किसान सबके लिए अनेक मौके खोलने का काम किया है। जो डिक्लेरेशन हुआ है वो भारत के आर्थिक विकास का नक्शा खींचने वाला है। दुनिया के सारे देश भारत के साथ व्यापार करने के लिए लालायित है, उत्साहित है, और मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा करते हैं कि भारत आने वाले दिनों में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। भाइयों और बहनों, G20 के बाद मैं तीन राज्यों में गया। तीनों राज्यों में युवाओं ने जैसे G20 में वो स्वयं नेतृत्व कर रहे हो, इस प्रकार से G20 के लिए आनंद व्यक्त करने का काम किया है। मोदी जी ने चंद्रयान और G20 के नेतृत्व के माध्यम से पूरे विश्व में भारत को एक मजबूत स्थान देने का काम किया है। और मधुबनी पेंटिंग की ये धरती को मैं बताना चाहता हूं, बिहार की धरती को बताना चाहता हूं, G20 में मधुबनी पेंटिंग और नालंदा विश्वविद्यालय का विशिष्ट स्थान नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया। और G20 के माध्यम से नालंदा भी विश्व प्रसिद्ध हुई और मधुबनी पेंटिंग भी फिर से एक बार सबके दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। माताओं, भाइयों, बहनों, अभी अभी यहां लालू नीतीश जी की सरकार चल रही है। मैं रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।